अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल जो है इसको बंद किया जा रहा है, इसकी जगह पे एक नए तरह का ईंधन होगा जो गाड़ियों में यूज होगा। तो कीमतों को लेकर के भी मार्केट में वहाँ पर अलग अलग बातें हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग अपडेट है। और इंडियन बहुत सारे जो है फंसे हुए हैं रसिया में, उनके साथ धोखा हुआ है, मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ। उनको रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में भी अपडेट है, वो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं जो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो है जेद्दा का जो कॉर्निस है, आप लोगों को मालूम है बहुत लोग वहाँ पे वीकेंड पे घूमने जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप 10 दिनों तक नहीं जा पाएंगे। संडे से लेके अगले 10 दिनों तक जो है कॉर्निस जो है बंद रहेगा। जेद्दा का जो समुद्री तट है, जो किनारा है जहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं शाम के टाइम या वीकेंड पे, वो पूरी तरह से मेंटेनेंस के काम को लेकर के 10 दिनों के लिए बंद रहेगा नेक्स्ट संडे से। जॉब के नाम पर, रोज़गार दिलाने के नाम पर रसिया भेजे गए इंडियन लोग जो है फंस गए वहाँ पे जाके, फंसे नहीं बहुत बुरी तरह फंस गए, उनके जान पे आ गई। क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है उनको जो है उसमें झोंक दिया गया, फौज के लबादा में, फौज के कपड़े में, कि भैया अब तुम फौजी हो रसिया की तरफ से, लड़ाई करो यूक्रेन से, उसमें उन लोगों को लगा दिया गया। और उनकी हायरिंग हुई थी सिक्योरिटी के तौर पर, कि भाई सिक्योरिटी का जॉब करना है तो सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मली लोग यही समझते हैं, लेकिन जिस कंपनी ने उनको हायर किया वो ले जाके उनको डायरेक्टली जो है दे दिया रसिया के फौज को, और वहाँ पर उनको जो है यूक्रेन से लड़ने भिड़ने के लगा दिया गया। बाकायदा गन वगैरह देके वो बंदे कुछ चला नहीं पा रहे थे, अब वो फंस गए वहाँ पे। उन लोगों ने ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें बताई कि लाखों रुपए हमसे लिया गया, ये लालच दी गई इस जॉब की और हमको लगा दिया गया फौज में, यानी हमारी अब जान पे बनाई है, हमको ये सब नहीं करना, हम इसके लिए नहीं आए हैं। इसके लिए उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी कॉन्टेक्ट किया, वीडियो उनके पास भी गई। उन लोग अभी एक्टिव हुए हैं और ये लोग अर्ली बेसिस पर यानी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जो इंडियन वहाँ पर फंसे हुए हैं, लगभग 20 की तादाद बताई जा रही है, लेकिन ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये इन लोगों का एफर्ट यही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को छुड़ाया जाए। इसके लिए जो है दिल्ली में जो एम्बेसी है रसिया की वहाँ पे भी बात हो रही है, और मॉस्को में बताया जा रहा था कि वहाँ भी जो एम्बेसी है वहाँ पे भी बात हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लोग छोड़ दिए जाएंगे। अगर आप लोग जो है सोच रहे हैं कि हम रसिया जाएँ, रसिया जाके बहुत अच्छा पैसा कमाएँ, वहाँ पर रहें, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, रसिया जाना आसान होता है, आसानी से वीज़ा भी मिल जाता है, आजकल बहुत चल रहा है रसिया का काम, लेकिन आजकल जाने के इससे पहले जो है ना थोड़ा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना हालात वो नॉर्मल नहीं है, जंग के हालात हैं। तो वो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि आप जाएं और आपको भी वहाँ पे फौज में लगा दिया जाए और आपके भी जान पे आ बने, तो एक बार ज़रूर सोचे रसिया जाने से पहले। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट सऊदी अरब ने जो है लगभग 21 डोमेस्टिक वर्कर के रिक्रूटमेंट ऑफिस के कामकाज को बंद कर दिया है, उनको समझिए एक तरह से सील कर दिया है, क्योंकि वो लोग रूल्स वगैरह पे खड़े नहीं उतर रहे थे जो रिक्रूटमेंट्स के रूल्स होते हैं। इसमें बताया गया है कि ये लोग जो है इलीगल वर्कर को जो है दूसरी जगह पर काम पर इधर उधर लगा देते थे, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था। और उसके बाद से रिक्रूटमेंट का जो फीस जो होता था, जो कॉस्ट होती थी, वो ये लोग मुसानत के प्लेटफॉर्म पर नहीं देते थे, उसमें भी कुछ काला कांडी करते थे। और जो है ये लोग जो है जो मतलब कस्टमर जिनको ये सप्लाई करते थे वहाँ से आदमी वगैरह देते थे, ये जो जिनकी सर्विस किया करते थे उनको जो है कभी कभी जो कंपनसेशन वगैरह देना होता है कि आप फेल्योर हो गए, आप नहीं उनको आदमी पहुंचा पाए तो उसके एवज में आपको कुछ कंपनसेशन देना, वो भी ये लोग जो है नहीं दे पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों के उल्लंघन में जो है ये 21 डोमेस्टिक वर्कर के रिक्रूटमेंट ऑफिस को जो है सील किया गया है। अगला न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह या फिर अपना कुछ भी ऑनलाइन सेल करने के लिए स्टोर खोल के रखे हुए हैं, उन लोगों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और उन लोगों को वार्निंग भी दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि आप कंज्यूमर को धोखा नहीं दे सकते हैं, मिसलीड नहीं कर सकते हैं। कई लोग फ्रॉड करते हैं कंज्यूमर के साथ, दिखाते कुछ और हैं और सामान कुछ और होता है, पर जो है ब्रांड कोई और होता है और सामान जो है लोकल आ जाता है, किसी दूसरे का ब्रांड यूज़ करना, ये सब चीज़ें बताया गया है कि इलीगल है। आप जो है ई कॉमर्स अगर चला रहे हैं, किसी भी तरह का ऑनलाइन स्टोर आप चला रहे हैं, प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो असली रखिए कि ये प्रोडक्ट है, उसी का लोगो रखिए, दूसरी कंपनी का लोगो भी आप नहीं रख सकते हैं, ये सब चीज़ें इलीगल है। तो ऐसे में जो है कई सारे ई कॉमर्स साइट को टेम्पोरली बैन किया गया, कई सारे को जो है परमानेंटली भी बैन कर दिया गया है, कई लोगों के ऊपर 1 मिलियन रियाल तक का फाइन लगा है। तो आप लोग जो है अगर
किसी भी तरह का ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं ना सऊदी अरब में, ऐसा भी इंडिया में भी है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर आप देखेंगे यार इतने सस्ते में सामान ये वाला मिल रहा है, और पता चलेगा आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया और आता कुछ और है। इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे और साइट लोग बना के ऑनलाइन जो चीज़ें बेचते हैं खरीदते हैं उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। सऊदी अरब में इंटरनेशनल कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक बताया गया है कि लगभग 450 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है परमिशन ले चुके हैं, लीगल लाइसेंस लेने के लिए वहाँ पे जो है उन्होंने अप्लाई किया है, जिनका रीजनल हेडक्वार्टर वो लोग सऊदी अरब में खोलेंगे। और आपको मालूम है किसी भी कंपनी का रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में होना चाहिए, सऊदी अरब के रियाद में, तो ये रियाद में खोल रहा है लगभग 450। तो इससे इन्वेस्टर आते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, तो सऊदी नागरिक भी जॉब करेंगे, गैर मुल्कियों के लिए भी अच्छा रहेगा। और दूसरा जो एक अपडेट है वो इंडियन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो है वो सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है, और वहाँ पे पूरा उसका जो है एक समझिए एक तरह से जो ब्यौरा लिया जाता है, जाके विजिट करके साइट्स को देखा जाता है कि हम कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। वैसे ही भारतीय जो अधिकारी और कई सारे CEO कई सारे कंपनीज़ को वहाँ पे विजिट किए हैं, और भारत का एक्सिस बिजनेस जो है फेडरेशन है जो सऊदी अरब की राजधानी में जो है वहाँ पे रियाद में अपना एक कार्यालय डालने वाला है। तो इसमें बताया गया कि पूरा जो है एक प्रतिनिधि मंडल गया, नियोम की साइटें विजिट किया, और भी बहुत सारे जो नए नए प्रोजेक्ट सऊदी अरब में चल रहे हैं वो सब विजिट करें, और इंडिया की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड उसके जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सऊदी का भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का भी है, जिसमें हर कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो डेलीगेशन लेके गया था, अलग अलग कंपनीज के CEOs गए थे, बिजनेसमैन गए थे, और सब लोगों ने जाके वहाँ पे ब्यौरा किया। तो आने वाले दिनों में इंडिया जो है भर भर के इन्वेस्ट करने वाला है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के पर्यटन की उप मुख्यमंत्री जो है वो राजकुमारी हाइफा बिन मोहम्मद बिन सऊद है। उनका कहना यह है कि लगभग पर्यटन के क्षेत्र में यानी टूरिज्म के क्षेत्र में जो है 45% सऊदी महिलाएं काम कर रही हैं। अब आप समझिए कि टूरिज्म का जो क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह, पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, और उसमें काम करने वाले लगभग 952,000 जो है लोग हैं, और 952,000 में 45% औरतें हैं जो कि सऊदी नेशनल हैं। मतलब समझिए 400,000 के करीब तो सऊदी जो है औरतें ही इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। और इन्होंने इसमें बताया कि पूरी दुनिया में जो है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लगभग पूरी दुनिया में महिला कर्मचारियों की जो संख्या है वो 33% है कमर्शियल क्षेत्रों में। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल का एक ऑप्शन ढूंढा गया, यानी पेट्रोल और डीजल जो पुराने पेट्रोल डीजल थे उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा मार्केट से, अब उसकी जगह पे यूरो 5 आएगा। यूरो 5 करके एक फ्यूल होगा, ईंधन होगा, जो भी पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में ही होगा, नाम बदल के यूरो 5 कर दिया गया इस ईंधन का, और ये जो है अब सऊदी अरब के मार्केट में आएगा। अब लोगों का ये टेंशन बढ़ा दिया है कि यार ये यूरो 5 है तो क्या होगा, इसका पेट्रोल डीजल का अपडेटेड वर्जन है तो इसके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, इसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, कितना महंगा होगा। तो उसमें जो है ऊर्जा मंत्रालय तरफ से जो है एक बात कह के क्लियर किया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो नहीं बढ़ने वाले हैं किंगडम में यूरो 5 के आने के बाद। यूरो 5 जो है सेम प्राइस में मिलेगा जैसे पुराने पेट्रोल और डीजल मिल रहे थे, और पुराने पेट्रोल और डीजल जो है अब सऊदी अरब में मिलने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, तो नया यूरो 5 जो है चलेगा। तो उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या ये वही सेम पेट्रोल डीजल रहेगा और उसका खाली नाम बदल दिया जाएगा कि अपडेटेड वर्जन आ गया है यूरो 5 नाम है, या पूरी दुनिया में क्या इसका नाम बदलने का जो है एक चलन शुरू होने वाला है क्या, क्योंकि नाम बदलने से बहुत कुछ ये होता है। तो नाम ही खाली बदलेगा कि उसकी क्वालिटी भी बदलेगी, आप लोग वहां पे एक्सपीरियंस करिएगा सऊदी में, तो जरूर ड्राइवर भाई लोग शेयर करिएगा आखिर यूरो 5 का ये लॉजिक क्या है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।